हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी फ़िट एंड फाइन होंगे हेल्दी होंगे सो देखिए फ्रेंड्स आज के सेशन से हम सी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको मैथमेटिक्स की पैडागॉजी के वो सभी डिस्कस कर रहे हैं तो ये मैराथन सेशन ही समझ लीजिए क्योंकि दो या तीन सेशनस में हम कम्प्लीट दो से लेके 2023 तक के जो भी आपको मैथमेटिक्स पेपर वन में पेडोगॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कम्पलीटली डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के करिए प्रॉपर तरीके से ठीक है तो भी आप सी का पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं तो देखिए जो इसका कंटेंट पोर्शन है आपको पता है पंद्रह नंबर की आपकी पेडोगॉजी आती है किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो और पंद्रह नंबर का आपको कंटेंट आता है ठीक है तो कंटेंट की क्लासेस हमारी साथ साथ में चल रही हैं तो पैडागॉजी के मैराथन सेशंस यहाँ पर इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा सो so स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ और देखिए पचास से ऊपर क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि सभी के सभी सीटेड पेपर वन में जो आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वही डिस्कस कर रहे हैं हम सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वेन आज टू राइट थर्टी फाइव सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड टू रोट एज थ्री जीरो फाइव एज अ टीचर हाउ वुड यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम तो देखिए बच्चों को बोला थर्टी फाइव लेकिन उन्होंने लिख दिया तीन सौ पाँच ग्रेड टू के जो बच्चे हैं तो टीचर्स इस चीज़ को आ, मतलब अगर आप खुद को एक टीचर एज्यूम करके चलें तो इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे बाय टेलिंग दैम दैट इट इज़ रॉन्ग एंड आस्किंग दैम टू फाइंड द करेक्ट आंसर बच्चों को बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है और इसका आप सही आंसर ढूंढिए नेक्स्ट बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय आस्किंग डेम टू राइट करेक्ट आंसर टेन टाइम्स इन दर नोटबुक्स ये तो देखिए पुरानी टेक्निक होगी लेकिन सही क्या है बाय एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज थ्रू कंक्रीट मटीरियल अब देखिए नंबर क्या है थर्टी फाइव है बच्चों ने लिख क्या दिया थ्री ज़ीरो फाइव मिस्टेक कहाँ हैं उनको वनस और टें की प्लेस में कन्फ्यूजन है तो बच्चों को बताएंगे कि थ्री टेंींस क्या होता है थर्टी वंस तो थर्टी वंस में अगर हम फाइव वनस को एड कर दें तो क्या बन जाएगा थर्टी फाइव इस तरह से ये कंसेप्ट को हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ऑप्शन हमारी यहाँ पर क्या करेक्ट है दैट इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट देखिए विच आस्पेक्ट और आस्पेक्ट्स ऑफ मैपिंग आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम तो देखिए कौन से आस्पेक्ट्स इसमें प्रेजेंट हैं दैट इज मैप इंटरप्रिटेशन ये भी प्रेजेंट है देन इज अनस्केल्ड ड्राॅइंग ये भी प्रेजेंट है एंड देन इज यूजिंग सिम्बल्स तो सिम्बल्स भी प्रेजेंट है लेकिन ड्रॉइंग एज पर स्केल ड्रॉइंग एज पर स्केल जो है ये प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है तो ऑप्शन डी हमारी आंसर का पार्ट नहीं बनेगी सो so, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी दैट इज ऑप्शन टू दैट इज ए बी एंड सी क्योंकि ड्राॅइंग एज पर स्केल जो है ये प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम का पार्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथेमेटिक्स करिकुलम एज़ पर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव तो एन सी एफ दो हज़ार पाँच क्या कहता है कि मैथेमेटिक्स करिकुलम में अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो कौन से टॉपिक्स होनी चाहिए हमने क्या देखना है कि कौन सा टॉपिक नहीं होना चाहिए एन सी एफ ने क्या बोला है कि ये टॉपिक नहीं है उसमें तो वो देखिए टेसलेशन जो है ये इंक्लूडेड है प्राइमरी के मैथेमेटिक्स uh, में सिमिट्री भी इंक्लूडेड है एस्टिमेशन भी इंक्लूडेड है लेकिन जो इंटीजर्स का पार्ट है फोर्टी एट का इंटीजर्स फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो इंटीजर्स इसमें इंक्लूड नहीं है ठीक है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर्टी नाइन बीड्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट जो बीड्स होते हैं नेकलेस में हम बोल देते हैं बीड्स होते हैं ना तो अलग से अगर हम बीड्स ले लें तो वो किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं नंबर सेंस को ठीक है फ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और पैटर्न को फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी यहाँ पर करेक्ट है तो ये तीनों की तीनों चीज़ों को ये जो बीड्स हैं ना ये एक्सप्लेन कर सकते हैं सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू बॉयज़ आर बेटर देन गर्ल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो देखो जेंडर बायस जेंडर स्टीडियो टाइप जहाँ पर ऐसी चीजें आ जाए ना ये चीज़ें आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकती ठीक है तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड फाइंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट ये भी नहीं है टीचर्स बिलीव्स इम्पैक्ट लर्नर्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स ये इफेक्ट करता है क्योंकि टीचर देखो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं बच्चे टीचर्स को रोल मॉडल समझते हैं ठीक है तो टीचर्स बच्चों में मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप में वो एबिलिटी है कि आप मैथमेटिक्स को कर सकते हो तो बच्चों की परफॉर्मेंस का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा डेफिनेटली पड़ेगा सो ऑप्शन थ्री दैट इज़ ओनली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू टीच डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रटेशन टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स अगर हमने प्राइमरी क्लास के बच्चों को डेटा कलेक्शन के बारे में समझाना है या फिर डेटा को किस तरह से डील करते हैं उसको क्या किस तरह से समझना है आपने इंटरप्रेट किस तरह से करना है तो उसका बेस्ट मेथड क्या है वो है हमारा आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट सर्वे ठीक है सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों को असाइन करने से कुछ नहीं होगा क्विज़ कंडक्ट करने से कुछ नहीं होगा ग्रुप डिस्कशन से नहीं होगा लेकिन सर्वे करने से बच्चों को पता लगेगा वो सर्वे करेंगे अलग 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 डेटा वो लेकर आएंगे ठीक है तो उससे उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा तो खुद वो चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे प्रॉपरली तो आस्किंग स्टूडेंट्स कंडक्ट सर्वे क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ स्टूडेंट टेल्स दैट द शेप ऑफ अ समोसा इज ट्राइंगल ही इज एट विच लेवल ऑफ थिंकिंग एज पर वेन हिल्स लेवल तो देखिए वेन हिल्स लेवल ये जो डायग्राम होती है ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एक या दो क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट देखने को मिलते हैं तो देखो बच्चों ने अगर समोसा को देखकर बोला कि एक ट्राइंगल की शेप का है तो वो किस लेवल पर है वो है विजुलाइजेशन लेवल पर जहाँ पर बच्चे चीज़ों की शेप को देखकर कर जोमेट्रिकल uh, जो भी शेप होते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी शेप के साथ तो शेप को एज अ होल वो समझते हैं तो जैसे समोसा किस शेप में होता है ट्राइंगर शेप में होता है हम मदर्स uh, रोटी बनाते हैं वो किस है, शेप में होती है सर्कुलर शेप में होती है ठीक है तो इस तरह से वो शेप को देख कर, उसको जोमेट्रिकल शेप के साथ कम्बाइन uh, कर लेते हैं मतलब उसकी इमेज बना लेते हैं माइंड में कि ये उस शेप के जैसा है ठीक है सो विजुअलाइजेशन स्टेज पर है वो बच्चा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम कौन सा फीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का पार्ट बन सकता है कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जहाँ बच्चे को मेन समझा जाता है उसकी क्या प्रीवियस उसको क्या पता है ठीक है क्या उसके माइंड में जानकारी है सारा कुछ मेन जो बच्चे को सेंटर पॉइंट पे रखकर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और समझी जाती हैं तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी ऑप्शन थ्री दैट इज स्टूडेंट्स एरर्स आर कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अब देखिए बच्चों ने जो गलतियाँ की वही तो टीचर ऑब्जर्व करेंगे जैसे हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में हम जानते हैं डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ टीचर समझते हैं ताकि रेमेडियल टीचिंग में वो प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम में अगर हम बात करें तो बच्चों ने जो गलतियां पहले की हैं ठीक है थीके? वो एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन सकती है कि ये कंसेप्ट में बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं तो इस कंसेप्ट को दोबारा नए तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ठीक है तो ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पर करेक्ट होती है बाकी आप ऑप्शन भी देख लेते हैं मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो जहाँ पे मेमोराइजेशन आ गया वर्ड क्रैमिंग आ गया ये आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हैं ये तो आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता ठीक है ये नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं ये आंसर का पार्ट आपका कभी नहीं बनते देन द टीचर फोकस इज ओनली ऑन द ओनली वर्ड जहाँ पर ओनली आ गया ये भी आंसर कभी नहीं होता मार्क माय वर्ड्स मेमोराइजेशन क्रैमिंग ये मैं आपको टैग वर्ड्स अलग से करवाऊंगी पॉजिटिव और नेगेटिव जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी ऑप्शन आपकी सही हो सकती है और कौन सी नहीं होगी देन फोर्थ ऑप्शन देखो इंट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स इज डिस्करेज तो डिस्करेज वर्ड क्या है खुद में एक नेगेटिव की है तो अगर ये चारों के चारों सेंटेंस आप वैसे ही रीड कर लेते ना तो आपको पता लग जाता कि ये तीन तो नेगेटिव कीवर्ड्स पड़े हैं तीन ऑप्शंस में तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी ओनली ऑप्शन थ्री करेक्ट हो सकती है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्सट ऑफ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स की नेचर के बारे में बात करें तो कौन सी चीज़ सही नहीं है यानी कि हमने फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप ये बिल्कुल सही है ठीक है ये हमारा आंसर नहीं हो सकती देन मैथमेटिक्स इज़ लिमिटेड टू स्टडी ऑफ नंबर्स बिल्कुल गलत लेकिन मैथमेटिक्स सिर्फ स्टडी ऑफ नंबर्स तक सीमित नहीं होती लेकिन ये क्या है हायर क्लासेस में जाकर इसका जो थिंकिंग लेवल है बच्चों का एब्स्ट्रैक्शन पर पहुंच जाता है ठीक है ये सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं रहती हैं चीज़ें सो ऑप्शन टू ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन एंड विजुलाइजेशन तो देखिए सिर्फ नंबर तक डीलिंग नहीं रहती एब्स्ट्रैक्शन विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें भी होती है मैथमेटिक्स में इट कनेक्ट्स टू द रियल वर्ल्ड तो अगर आप कहीं पे भी जाते हो कोई शॉपिंग करने जाते हो ठीक है वहाँ पे हर जगह आपके मैथमेटिक्स यूज़ होती है जैसे आपका बिल बन गया टू फाइव नाइन का आपने थ्री हंड्रेड रुपीज दे दिए तो कितने आपको वापस करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या है रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं वहाँ पर अप्लाई होती है घर में पार्टी होती है कोई पिज्ज़ा आपके पास आया है तो मम्मा एक बच्चे को थ्री फोर्थ पार्ट दे देती है एक को वन फोर्थ पार्ट पार्ट दे देते हैं तो वहाँ पर भी क्या है कैलकुलेशन है कि मम्मा आपने उसको ज़्यादा दे दिया मुझे कम दिया हाउ कम यू नो दैट क्योंकि वो पार्ट छोटा है फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा एक साइड में कम है एक साइड में ज़्यादा है तो सारी चीज़ें क्या हैं ओनली नॉट लिमिटेड टू नंबर्स ठीक है विजुअलाइजेशन एब्स्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ों के साथ ये रिलेटेड होती हैं सो ऑप्शन टू हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रेन अब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जैसे हम जनरली uh, आपको एग्जाम्पल दूँ तो जो आर्किटेक्ट होते हैं घर का डिज़ाइन करते हैं इतनी स्पेस है कहाँ पर आपने रूम निकालना है वॉशरूम निकालना है किचन का एरिया देना है तो स्पेस को बेटर वे से यूज़ करना वो क्या होती है स्पेशल अरेंजमेंट अब देखिए मे नॉट बी एसोसिएटेड यानी कि जो चीज़ एसोसिएट नहीं होती वो चीज़ हमने देखनी है कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया इमेजिंग वट अ पीस ऑफ पेपर वुड लुक लाइक इफ इट इज़ फोल्डेड अलॉन्ग गिवन लाइन्स ये तो देखो क्या है स्पेशल अरेंजमेंट का ही पार्ट है कि कितना पेपर आप फोल्ड करेंगे क्या शेप उसकी बन जाएगी गिविंग डायरेक्शन टू रीच देयर हाउस फ्रॉम द स्कूल ये भी स्पेशल अरेंजमेंट का पार्ट है देन मैचिंग द टॉप व्यू ऑफ अ पेंसिल विद इट्स साइड व्यू तो ये भी क्या है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है लेकिन कैलकुलेट करना डिस्टेंस जहाँ पे कैलकुलेशन की बात आ गई कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया ठीक है जी तो क्योंकि देखो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज ऑन मैप ऑफ इंडिया ये तो हमें डायमेंशन दी होती है ना तो यहाँ पे हमने कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो करनी नहीं है डायरेक्ट कैलकुलेशंस करनी है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया दैट इज ऑप्शन वन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एरिया मेजरमेंट ऑफ प्लेन फिगर्स जो प्लेन फिगर्स होते हैं यानी कि प्लेन फिगर्स कौन सी होंगी टू डायमेंशनल फिगर्स जिनको एक प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है जैसे सर्कल हो गया स्क्वायर हो गया आपका ट्राइंगल रेक्टेंगल पैरोग्राम ये सारी टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं ठीक है थीके, तो क्वेश्चन क्या कहता है नॉट करेक्ट इन कॉन्स्टेक्ट ठीक है नॉट करेक्ट हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है तो इसका जो आंसर है फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर का दैट इज़ टू यूज़ ऑफ फार्मूला फॉर एरिया मेजरमेंट शुड बी टॉट बिफोर एस्टिमेशन ऑफ एरियाज तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें पहले बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह से इसकी शेप है ठीक है अलग अलग चीज़ों के थ्रू बच्चों को फार्मूला तक लेके जाना चाहिए पहले एग्जाम्पल्स देखो इंडक्टिव मेथड होता है कि हम पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं बच्चे को कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर उसके फॉर्मूला या फिर रूल की तरफ लेकर चलते हैं ठीक है तो जो छोटी क्लासेस होती हैं स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पहले कंक्रीट चीज़ों के थ्रू वो चीज़ें समझाई जानी चाहिए तो फार्मूला डायरेक्ट आप बता रहे हो बच्चों को ठीक है बिफोर एस्टिमेशन ऑफ एरियाज़ ये बिल्कुल गलत पॉइंट है यहाँ पर सो ऑप्शन टू हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर क्योंकि हमने ढूंढना क्या था विच इज़ नॉट करेक्ट तो नॉट करेक्ट वाला सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर आईडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अब देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं एक होते हैं ओपन एंडेड दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं जैसे आपको कोई एरिया फाइंड आउट करने को बोल दिया या फिर आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली जहाँ पे आपने रटी रटाई चीज़ों को यूज करना है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में आप क्या सजेशन दे, दे सकते हैं ठीक है इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी उसका खुद का दिमाग यूज़ होता है लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को दिया जाता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपने कुछ ना कुछ बनाना है तो वो ओपन एंडेड चीजें होती हैं ठीक है अगर हम क्वेश्चन की बात करें जहां पर राय पूछी जाए या फिर आ, सोच बच्चों की डेवलप हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं अब हम ऑप्शन देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स हमें दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड हमें दी हुई है वट वुड इट्स हाइट बी तो ये तो सीधा साधा एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया क्योंकि यहां पे हमने क्या करना है सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है नेक्स्ट ब्रेड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज फोर फिफ्थ ऑफ इट्स लेंथ एंड हाइट्स इज थ्री फोर्थ ऑफ इट्स ब्रेथ इफ वॉल्यूम हमें दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करनी है देखो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं नंबर्स दिए हुए हैं है, लेकिन हमने सिर्फ फाइंड करनी है तो फॉर्मूला पुट करेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो हमें मिल जाएगी तो दिस ऑल्सो इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन टू बी फोर एट्टी मीटर स्क्वेयर वट कैन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बी अब देखो एरिया हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का फोर एट्टी मीटर स्क्वायर अब यहाँ पे देखो रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है एक हमें लेंथ चाहिए होती है एक ब्रेथ चाहिए होती है अब देखो अगर हम लेंथ को कुछ ले लें पार्ट ठीक है लेंथ को सपोज हमने वन ट्वेंटी मान लिया लेंथ अगर वन ट्वेंटी हो गई तो ब्रेथ कितनी हो सकती है फोर भी हो सकती है अगर हम लेंथ को मान लें फोर्टी ठीक है लेंथ को हमने ब्रेथ uh, uh, को सपोज हमने मान लिया फोर्टी तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी ट्वेल्व हो जाएगी इस तरह से देखो कितने आंसर्स बन रहे हैं तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं लेंथ और ब्रेथ की इसका एक फार्मूला नहीं है कि आपको एरिया दे दिया और आप इसकी लेंथ और ब्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कितने आंसर्स ढूंढ पाते हैं इसके लिए सो ऑप्शन थ्री जो है ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है फिफ्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हेरारकी ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की हिरारकी होती है उसके कंटेक्सट में अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है देखो नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहला मोटिव इनका होता है कि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए वो करेक्ट ढूंढते रहते हैं लेकिन ढूंढना कौन सा होता है फॉल्स स्टेटमेंट तो इसकी हम ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज

वन से लेके सारे इन्फिनिटी तक ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स और द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या है आपका वन तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं लेकिन हमारी जो ऑप्शन गलत हमने ढूंढनी है वो क्या है फ्रैक्शन बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स फ्रैक्शन डेसिमल के कॉन्सेप्ट पर बिल्डअप नहीं हुए हैं बल्कि डेसिमल किसके कॉन्सेप्ट पर बिल्डअप हुए हैं फ्रैक्शन के हम लिखते हैं वन बाय टू ठीक है वन बाय टू का मतलब फिर हम लिखते हैं कि ये पॉइंट तो फाइव हो गया तो ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है ऑप्शन फोर क्या हो गई हमारी करेक्ट आंसर नेक्स्ट आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग फ्रैक्शंस एट प्राइमरी लेवल तो हमने देखना है कि प्राइमरी लेवल पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम फ्रैक्शंस uh, पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी यहाँ पर ऑप्शंस रीड करते हैं एवरीडे कंसेप्शन ऑफ फ्रैक्शंस शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर विद क्लासरूम टीचिंग तो ये तो कह रहे हैं कि आपको जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन दिखाकर ही तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए ठीक है ये तो गलत हो गया हमने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आप देखो ओनली हाफ्स एंड क्वार्टर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल तो सिर्फ हाफ़ और क्वार्टर ही बच्चों को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत बिल्कुल सही प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ज़्यादा जो है फ्रैक्शंस वो नहीं पढ़ानी चाहिए सिंपल एक तो चीज़ हाफ हो गई और एक वन फोर्थ हो गई ताकि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझ सके कि इसको हमने वन एट्थ कर दिया फिर वन एट्थ का वन सिक्सटीनथ पार्ट कर दिया वो हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन क्या है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन मल्टीपल सिचुएशंस तो ये भी सही पॉइंट है कि जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको डेमॉन्स्ट्रेटेड इन मल्टीपल सिचुएशंस होना चाहिए क्योंकि अलग अलग एग्जांपल्स बच्चों को हम देंगे अलग अलग सिचुएशंस दिखाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं एक ले लिया पिज्जा के एग्जांपल ले ली ठीक है एक आपको चॉकलेट्स की एग्जांपल ले ली नंबर ऑफ टॉफीज की एग्जांपल ले ली तो उस हिसाब से बच्चों को फ्रैक्शन समझाया जा सकता है तो ऑप्शन थ्री ही हमारी वैसे करेक्ट आंसर है फोर्थ रीड कर लेते हैं एक बार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी एम्फोसाइज एज सेपरेट नंबर्स सेपरेट नंबर्स अलग से आप क्यों पढ़ाएंगे कुछ भी सब कुछ एम्बेड करना होता है स्टडी के अंदर ही तो ऑप्शन थ्री करेक्ट बनती है भैया नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिगार्ड टू असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अब प्राइमरी लेवल पर अगर असेसमेंट करना है मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा नॉट डिजायरेबल है यानी कि नॉट वाला फंडा फिर से आ गया फॉल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पर ढूंढनी है एम्फेसिस शुड बी ऑन असेसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों की मार्क्स पर हमने फोकस नहीं करना उनके कंसेप्ट देखने हैं क्योंकि हायर क्लासेज में जाकर यही कंसेप्ट आपके काम में आने वाले हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो अ यूनिक टेस्ट पैटर्न शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यूनिक टेस्ट पैटर्न फॉलो नहीं होना चाहिए बिकॉज असेसमेंट क्या होनी चाहिए बच्चों की ओवरऑल ऐसे नहीं है कि यूनिक कोई एक ही टेस्ट पैटर्न आप उनके लिए फॉलो करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए ओवरऑल uh, डेवलपमेंट अगर हमने बच्चों की करनी है असेसमेंट तो दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन ठीक है तो इस तरह से होनी चाहिए सो ऑप्शन टू क्या है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर्स आ रहे हैं ना ठीक है इन पे कंफ्यूज मत हो ना क्योंकि ये मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें सिर्फ पैडागोजी के क्वेश्चन आपके उठाए हैं कंटेंट के हम अलग वीडियोज में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये पैडागॉजी के पंद्रह नंबर पंद्रह क्वेश्चन हर पेपर में से उठा के यहाँ पर डाले हुए हैं तो नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर भी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का देख लो क्वेश्चन आ गया है प्राइमरी लेवल uh, के स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन ड्राइंग अ मैप ऑफ देयर होम्स शोइंग रिलेटिव साइजेस एंड पोजिशन ऑफ रूम्स ठीक है बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपमेंट अब देखिए स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बेस्ट सूट होगा नेक्स्ट देखो ऑप्शन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप ये बिल्कुल गलत है पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था देखो रिकॉलिंग द नेम्स ऑफ जोमेट्रिकल फिगर्स ये भी बिल्कुल गलत है हमारी जो बिल्कुल सही ऑप्शन है दैट इज ड्राॅइंग मैप ऑफ देयर होम शोइंग रिलेटिव साइजिज एंड पोजिशन ऑफ रूम तो बच्चे अपने हिसाब से एक घर बना सकते हैं कि यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है यहाँ पे पोर्च है इधर साइड में ड्राॅइंग रूम आ जाता है यहाँ पे किचन है ठीक है यहाँ पे वॉशरूम है पे so on, पे लॉबी आ गई एंड सो ऑन ठीक है पूजा रूम है वॉशिंग एरिया आ गया इस तरह से बच्चे खुद बता सकते हैं बनाकर तो ये क्या है फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम ग्रेड थ्री लर्नर्स तो ग्रेड थ्री लर्नर्स की बात यहाँ पर की गई है सो फर्स्ट ऑप्शन है वट इज प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इन फाइव फोर थ्री अब देखो ये तो बिल्कुल ग्रे ग्रेड थ्री लर्नर्स का ही क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू क्या है फोर की हम भी कर लेते हैं साथ साथ में इनके प्लेस वैल्यू है फोर्टी अगर पूछा होता फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू क्या होनी थी फोर ही होनी थी वो नंबर इट क्या है फेस वैल्यू मीन्स जो उसका चेहरा है चेहरे पर क्या लिखा है चार लिखा है तो चार ही उसका आंसर हो गया तो फर्स्ट तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकती हमने ढूंढना क्या है नॉट एक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट शेप इन द गिवन पैटर्न ऑफ शेप्स तो ये भी क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ग्रेड थ्री लर्नर्स के लिए देन थर्ड इज सॉल्व वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर यहाँ पर देखो क्या है बच्चे फ्रैक्शन के साथ डील तो कर लेते हैं लेकिन फ्रैक्शंस को ऐड करना और उसको सब्ट्रैक्ट करना बच्चे डिफिकल्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती बच्चों से एट अ ग्रेड थ्री लेवल पर ठीक है तो ऑप्शन थ्री हमारी करेक्ट हो गई अब देखिए शो दैट टू मल्टीप्लाई फाइव इज सेम एज फाइव मल्टीप्लाई टू तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये तो हम स्टार्टिंग में ही बच्चों को करवाते हैं तो ऑप्शन फोर भी uh, बिल्कुल सही है हमने ढूंढनी फॉल्स थी तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ मैथमेटिक्स टीचर आस्ट स्टूडेंट्स यू हैव सेवन हंड्रेड एंड यू हैव टू टेक अवे सेवन टेंस फ्रॉम इट विच नंबर डू यू गेट वन ऑफ द स्टूडेंट विल गेट जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स अब देखो हमने पिछले पेपर में भी थर्टी फाइव और थ्री जीरो फाइव का क्वेश्चन किया था ना उसी क्वेश्चन से मेल खाता हुआ ये क्वेश्चन भी है तो यहाँ पे बच्चे ने गलत आंसर दिया है ठीक है तो बच्चों को आ, हम ऑप्शन देखते हैं द टीचर शुड हैव हैिटन द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट ये चीज़ नहीं सही देन द टीचर शुड गिव एटलीस्ट टेन सिमिलर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व टिल द स्टूडेंट सॉल्व इट करेक्टली नो बच्चों की हेल्प भी तो करनी पड़ेगी ना सिर्फ ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम्स ही देते जाएंगे द टीचर शुड आज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द आंसर एंड प्लान रेमिडियल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली तो देखिए रेमिडियल स्ट्रैटेजी जहाँ पर बात आ गई जहाँ पर डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात आ गई वो ऑप्शन आपकी सही होती है ठीक है लिख लो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि देखो टीचर देखेंगे कि बच्चा इस लेवल तक कहाँ कैसे पहुँचा किस स्टेप में मैथमेटिक्स के जो आपको मार्क्स मिलते हैं सिर्फ आंसर के नहीं मिलते ना जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन स्टेप्स के मार्क्स मिलते तो टीचर्स देखेंगे कि तीन स्टेप्स करने के बाद बच्चे ने ये आंसर निकाला है तो उसके किस स्टेप में प्रॉब्लम है ठीक है तीनों स्टेप्स को तो उसका प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द आंसर वो देखेंगे फिर प्लान करेंगे कि उसको क्या समझाना है कहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो ऑप्शन थ्री हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्लियर हो गया बेटा ये चीज नेक्स्ट देखो according to ncf 2005, one of the main goals of mathematics education in schools is it is more useful to know how to mathematize than to know a lot of mathematics. which of the following statements reflects the meaning of above statement? so, si reflect karti hai? it is more important to know how to develop mathematical thinking and ability to handle abstractions in children than to focus on how mathematics a child knows. bilkul first point, he hamara. करेक्ट है क्योंकि बच्चे उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे डे टू डे एक्टिविटीज डे टू डे सिचुएशंस के साथ रिलेट करके देखें बजाय इसके कि उनको थ्योरीज बहुत सारी पता है फॉर्मुल बहुत ज्यादा पता है लेकिन मैथमेटाइज होना यानी कि मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में एक्चुअली यूज करना बच्चों को आना चाहिए सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मिस्टर गोविंद वॉन्ट्स टू बिल्ड पैटर्न रिकोगनेशन स्किल्स इन हिज ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स ठीक है ग्रेड थ्री की बात हो रही है विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बेस्ट हेल्प पैटर्न रेकोगशन करवाना है ग्रेड थ्री के बच्चों के लिए तो कौन सी एक्टिविटी बिल्कुल बेस्ट यहाँ पर मानी जाएगी आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक देयर फैमिली ट्री एंड कंपेयर इट टू देयर फ्रेंड्स फैमिली ट्री नो कंपेरिजन से यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई एंड डिस्क्राइब वॉट दे सॉ इन क्लास डिस्क्राइब करने से पैटर्न रेकोगेशन नहीं होगा नोटेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इन ऑल देयर टेक्स बुक्स या फिर गिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू अरेंज दम इन स्टैक्स ऑफ इनक्रीजिंग हाइट तो यहाँ पर पैटर्न रेकोगेशन पता लगेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम जिसको बोलते हैं टावर ऑफ हेनोई भी बोलते हैं उस चीज को कि यहाँ पर एक रॉड होती है ठीक है बच्चों के पास प्ले में भी होता है कि सबसे बड़ा नीचे आएगा फिर छोटा आएगा फिर उससे छोटा इस तरह से या फिर कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स उनको दे दिए जाते हैं अलग अलग लेवल्स होते हैं तो बिल्कुल छोटे लेवल की बात मैंने बताई आपको तो उसी हिसाब से बच्चे उसका स्टैक बनाते हैं इंक्रीजिंग हाइट में ठीक है तो यहाँ से बच्चों की पैटर्न रिकॉग्निशन एनहांस होती है ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शन फोर क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव असैसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड देखो असेसमेंट एन हम साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं कौन कौन सी क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से ज्यादा उठाए जा रहे हैं तो एनसीएफ का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ठीक है और एक प्लेस वैल्यू uh, का क्वेश्चन जो है या फिर थर्टी फाइव थ्री जीरो फाइव इसकी मिसकनसेप्शन इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेगुलर देखने को मिल रहे हैं तो एनसीएफ की अगर हम बात करें तो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड भी किस तरह की होनी चाहिए तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन टू प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही बात की थी कि बच्चों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखा ना जाना चाहिए एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कितना कंसेप्ट बच्चों को अच्छे से समझ में आया है इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए तो ऑप्शन टू इज करेक्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मिस प्रिया टॉट द कंसेप्ट ऑफ डिविजन विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क टू असेस स्टूडेंट्स ऑन दिस अब प्रिया ने क्लास में क्या है डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो बेस्ट एग्जांपल क्या होगी कि अगर बच्चों का टेस्ट लेना है ऑथेंटिक टास्क क्या दिया जाए उनको कि वो बेस्ट हो ठीक है तो यहाँ पर जो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड डिस्ट्रीब्यूट हंड्रेड अवेलेबल ड्रॉइंग शीट्स अमंग ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इक्वली ठीक है हंड्रेड शीट्स हैं ट्वेंटी फाइव बच्चे हैं तो हर बच्चे के पास कितनी शीट्स चाहेंगी डिवाइड कर देंगे ना उनको चार चार शीट एवरी स्टूडेंट विल गेट बजाय इसके कि हम सीधा डिवाइड करके दिखाएं बच्चों को ये क्या है प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है वो चीज ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 इन मिडिल एंड हाई स्कूल इट इज ऑब्जर्वड दैट बॉयज परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स इन मैथमेटिक्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन पॉइंट्स आउट दैट द रीजन फॉर दिस इज अब देखो यहां पे कहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे जेंडर के साथ भेदभाव किया जा रहा है यहां पे है ना क्या सोचा जाता है कि जो बॉयज uh, हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं गर्ल्स से विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स तो गर्ल्स आर सोशलाइज टू बिलीव दैट मैथमेटिक्स इज कंसिडर टू बी अ बेस्क्यूलिन डोमेन एंड इट इज डिफिकल्ट तो ये क्या है कि मैथमेटिक्स एक बॉयज के करने वाला काम है जैसे हम बोलते हैं कि बुक्स में भी हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस जाते हुए बॉयज दिखाए जाते हैं और किचन में खड़ी हुई गर्ल्स दिखाई जाती हैं तो ये वो एक फेमिनिन डोमेन समझा जाता है किचन में खड़े होना और मैथमेटिक्स का, का काम जो है एक मैस्कुलिन डोमेन के अंदर आता है तो ये चीज मानी जाती है एक्चुअल होती नहीं है तो ऑप्शन थ्री यहां पर इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच आर द फॉलोइंग प्रेपरेटरी एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेबल बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो अगर बच्चे को मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है उससे पहले कौन सी सबसे बेस्ट एक्टिविटी uh, रहेगी वो क्या है हम ऑप्शन इसकी देख लेते हैं इंट्रोड्यूस द सिम्बल ऑफ मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स देयर क्लास विल हैव इफ ईच ऑफ दैम ब्रिंग्स फाइव बेलून्स तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से क्या है इनडायरेक्टली रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जा रही है कि क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं और हर बच्चा पाँच बैलून्स लेकर आ रहा है तो कितने बैलून्स हो जाएंगे टोटल बच्चे देखेंगे किस तरह से देखेंगे या तो ट्वेंटी बच्चे हैं तो पांच पांच को ऐड कर लेंगे या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है कि इक्वली बच्चे इक्वल नंबर ऑफ बैलून्स लेकर आए हैं तो उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे सो ऑप्शन टू यहां पर हमारी क्या है करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 अकॉर्डिंग टू 2005 ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल अब देखिए एनसीएफ का सेकेंड क्वेश्चन है ये सो इसकी फर्स्ट ऑप्शन है कंसेप्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट लेकिन ये गलत है क्योंकि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव होना चाहिए यानी कि कॉन्क्रीट क्या होता है जो चीज़ों को आप देख सकते हो छू सकते हो ठीक है एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो सिर्फ माइंड में होती हैं चीज़ें ये हर क्लासेज में होता है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गई नेक्स्ट देखो द कवर पेज ऑफ टेक्स बुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल देखो कवर पेज का इस चीज़ से इतना मैटर नहीं करता हमारे पास जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई इट शुड इंक्लूड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फार्मूला एंड एल्गोरिथम्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट इट शुड प्रजेंट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट आर कंटेक्सचुअल एंड रिलेटेड टू लाइफ एक्सपीरियंसिस ऑफ चिल्ड्रन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि जो भी चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं ना अगर उनको रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ पाएं तो उनको स्पेशल याद करने की या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती वो ऐसे ही चीजों को समझ जाते हैं तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल लेवल थिंकिंग लेवल्स एज पर वेन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज विजुलाइजेशन एनालिसिस देन रिलेशनशिप्स एंड देन डिडक्शन ठीक है तो ये करेक्ट जो इसका सीक्वेंस है ये होता है ये जब हम वेन हिल्स का Uh, आपने अगर सेशन देखे हो मेरे तो वहाँ पर आपको ये डिटेल में भी मिल जाएगा अदरवाइज एक मैराथन में कंप्लीट का कंप्लीट जो है पैडोगॉजी मैं इसकी डिस्कस भी कर दूंगी आप लोगों के साथ सो so, इसकी ऑप्शन क्या है थर्ड बिल्कुल करेक्ट है बढ़ते हैं आगे अ टीचर आज द क्लास टू सब्ज्रेक्ट फाइव फ्रॉम सेवेंटी फाइव सेवेंटी परसेंट ऑफ द क्लास सेड ट्वेंटी फाइव दे आर वर्क वॉज शोन एज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन दैट टीचर शुड टेक टू क्लेरिफाई दिस मिसकनसेप्शन अब देखो सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम क्या आई ये होता है वंस प्लेस ये होता है टेंस प्लेस तो बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे है वंस और टेंस प्लेस को समझने में वरना वो फाइव को कहां पे लिखते वंस प्लेस के नीचे ठीक है कि नंबर्स जो है राइट right साइड से लिखने हम स्टार्ट करते हैं हमेशा ठीक है तो यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आई अब रेमेडी क्या देते हैं टीचर्स इस क्वेश्चन के रिलेटेड सो so, देखो रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम वैसे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगी हम बाकी भी रीड कर लेते हैं रिवाइज दैट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट डिजिट नंबर फ्रॉम सेकेंड डिजिट नंबर डिजिट शुड बी रिटर्न फ्राम राइट टू लेफ्ट देन गिव मोर प्रैक्टिस ऑन सिंपलर प्रॉब्लम लाइक सब्ट्रैक्टिंग वन डिजिट नंबर या फिर रूज अ नंबर लाइन टू एक्सप्लेन हाउ सब्ट्रैक्शन इज डन तो देखो यहाँ पर जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ बन रही है ना वो क्या है रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू और जो है इसका कॉन्सेप्ट वंस प्लेस टेंस ज प्लेस ठीक है क्या इसकी प्लेस वैल्यू होगी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना ज़रूरी है और देखो ऑप्शन हमें सेकंड भी सही लग सकती है कि राइट right से लेफ्ट की तरफ मूव होना चाहिए लेकिन अगर रेमिडियल टीचिंग की बात हो रही है तो रेमिडी कहाँ पे होएगी एंड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम यानी कि बच्चों ने क्या प्रोसेस यूज किया टीचर यहां से डायग्नोज करेंगे कि उन्होंने रेमिडियल टीचिंग करनी क्या है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस टू सेवनटी प्लस थर्टी फोर इज इक्वल टू दिस अब यहां पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो फोर को जीरो में ऐड करके फोर लिख दिया सेवन को थ्री में ऐड करके टेन आ जाता है लेकिन टेन उन्होंने इस तरह से लिख दिया ये नहीं पता कि ये जो वन है इसमें ऐड होना है यानी कि कैरी फॉरवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो क्लियर नहीं है तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं रीविजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ट रेमिडिएट द मिसकनसेप्शन तो इसका आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए एडिशन विद रीग्रुपिंग बच्चों को रीग्रुपिंग करवा के कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया जाना चाहिए नेक्स्ट देखो अ क्लास फाइव प्राइमरी स्कूल टीचर गिव्स द फॉलोइंग ट्क टू हिस् स्टूडेंट्स फ्राम योर नेबरहुड कलेक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास थ्री एंड फाइव फ्राम द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड क्लासीफाई नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास थ्री एंड फाइव इंक्लूड एट लीस्ट टेन हाउस होल्ड इन योर प्रोजेक्ट तो इस प्रोजेक्ट में दिविटी कैन बी बेस्ट यूज तो इस एक्टिविटी का बेस्ट यूज़ क्या है टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग में हम करते हैं न कि इतने पर्सनस जो हैं इतने पर्सनस मेल हैं इतने फीमेल हैं ठीक है ठीके? ये जो फीमेल्स हैं इतनी हैं जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं तो इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है डेटा हैंडलिंग का ठीक है जी ऑप्शन टू करेक्ट हो गई नेक्स्ट विच आर द फॉलिंग कैन बी बेस्ट टॉट यूजिंग अ सिम्यशन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है सिमुलेट करना यानी कि एक्चुअल सिचुएशन को आप एक्चुअल में वो चीज डील नहीं कर रहे लेकिन उसको फील कर रहे हो लाइक पायलट्स की ट्रेनिंग दी जाती है ना तो वैसे ही एनवायरमेंट उनको दिया जाता है तो वो सिमुलेट करके देख रहे हैं कि क्या वो कर पाते हैं ठीक है हम जब जाते हैं आप जलंधर में भी जाते हो या फिर कहीं भी साइंस सिटी में हम जाते हैं वहां पर सिमुलेशन होती हैं हमें लगता है कि हम अंडर वाटर एक्चुअली डाइव कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे होते ठीक है तो वो किसके थ्रू बेटर आ, बेस्ट हम टीच कर सकते हैं शोइंग हाउ द ठीक है 10th shape, जब सीरीज में है वो चेंज किस तरह से होएगी जब थर्ड शेप को चेंज कर दिया जाएगा तो ये चीज को हम बेस्ट शो कर सकते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू नेक्स्ट देखो जी हमारे पास ये अब थर्ड जो पेपर है वो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स वुड इंक्लूड यानी कि सी सीई क्या इंक्लूड करेगा डिटेल्ड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली ओनली वाला तो हम ऑप्शन देखेंगे ही नहीं आगे ही नहीं पढ़ेंगे प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर या फिर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स तो कौन सी ऑप्शन सही होगी यहाँ पर दैट इज ऑप्शन ए डिटेल्ड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्योंकि बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं यही तो इवेलुएट करना है और डिटेल्ड फीडबैक यानी कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा जा सके सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर तो यहाँ पे देखिए हमारी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हैं वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी देखो डिटेल्ड फीडबैक बच्चों के लिए चाहिए ताकि उसको रेमडियल टीचिंग के थ्रू इम्प्रूव भी किया जाए अगर बच्चों को कहीं पे प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को तो हमेशा ही एन 2005 भी फोकस करता आ रहा है और इवेल्युएशन भी इसी के बेस पे होनी चाहिए देन प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर मिस कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है और ये किस ऑप्शन में करेक्ट है दैट इज थर्ड पार्ट में ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारी थर्ड पार्ट क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट क्योंकि ए और सी दोनों ही सही हैं नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पर ढूंढनी है मैपिंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी टॉपिक्स इन हायर मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है ये मैपिंग स्ट्रेंथन स्पेशल थिंकिंग बिल्कुल अब जो मैप बनाते हैं वो स्पेस के अकॉर्डिंग ही तो बनाते हैं ना तो स्पेशल थिंकिंग इससे एनहांस होती है मैपिंग प्रमोट्स प्रोपोर्शनल थिंकिंग ये भी सही है मैपिंग ओनली इंक्लूड्स ड्रॉइंग ऑफ अ मैप ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ओनली वाला कॉन्सेप्ट तो हमने करना ही नहीं है तो देखो यहां पर क्या आ गया ऑप्शन फोर क्या हो गई करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है मैंने आपको बताया क्लोज एंडेड जहां पे सीधा साधा हमें आंसर चाहिए हो कोई बच्चों का दिमाग नहीं यूज हो रहा कोई उनकी क्रिएटिविटी नहीं यूज हो रही अब देखो लिस्ट फाइव थ्री डिजिट नंबर्स दैट द टेंस प्लेस ठीक है यहां पर ऐसे तो नहीं है कि फिक्स्ड आंसर है तो ये क्या है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन देन ड्रॉ अ शेप वेयर द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स इज 36 सेंटीमीटर ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो सभी साइड्स का सम 36 एक स्क्वायर में भी हो सकता है एक रेक्टेंगल में भी हो सकता है एक रोम्बस में भी हो सकता है ठीक है कोई अलग से बात नहीं बताई इन्होंने एक क्वारेटरल कोई भी क्वारेटर में हो सकता है या फिर एक ट्राइंगल में भी हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल बना सकते हैं सो दिस इज ऑल्सो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन देन राइट फाइव होल नंबर्स बिटवीन वन सेवेंटी एट एंड वन एटी फोर कोई भी फाइव होल नंबर्स लिखने हैं तो ये कोई दिमाग को ज्यादा यूज करने वाली जोर डालने वाली बात नहीं है सीधा बच्चा लिख देगा वन सेवेंटी नाइन वन एटी वन एटी वन वन एटी टू वन एटी थ्री ठीक है यही नंबर इसके बीच में आ रहे हैं इसका फिक्स्ड आंसर है इसके अलावा इसका आंसर कोई और हो ही नहीं सकता तो ये क्या है एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन थ्री समझ में आ गया ना ये बात नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी ऑफ नंबर्स तो इसका करेक्ट आंसर है थ्री दैट इज एस्थेटिक नंबर्स नेक्स्ट वाइल टीचिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ अ टीचर आज द स्टूडेंट्स टू मेजर देयर टेबल यूजिंग हैंड स्पैन एंड पेपर क्लिप्स इंस्टेड ऑफ मेजरिंग डायरेक्टली बाय स्केल हैंड्स हैंड स्पैन क्या होता है कि जब हम हाथ को अपना पूरा खोल देते हैं हमारे थम से लेके लिटर फिंगर तक का जो डिस्टेंस होता है ठीक है लाइक दिस थोड़ा इस तरह से बनना है ये जो डिस्टेंस है ना इतना डिस्टेंस ये होता है हैंड स्पैन का डिस्टेंस क्लियर हो गया ये ठीक है कि ये यूज करो या फिर आप पेपर क्लिप्स uh, यूज करो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग डायरेक्टली बाय अ स्केल वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी ये एक्टिविटी करवाए जाने का सबसे अप्रोप्रिएट रीजन क्या है तो वो है शी वॉन्ट्स दूड्रेंट्स टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ताकि बच्चों को पता लगे कि स्टैंडर्ड यूनिट हमें क्यों चाहिए क्योंकि हर बच्चे का जो हैंड्सपैन है वो डिफरेंट होगा तो वो मेजर डिफरेंट करेंगे तो एक स्टैंडर्ड चीज हमें चाहिए जिसके थ्रू हम मेजर करें और सभी का आंसर जो है वो सेम आ पाए सो ऑप्शन फोर क्या होगी यहाँ पे करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर आज द स्टूडेंट्स टू टेक आउट रूलर एज शी गोइंग टू टीच द टॉपिंग ऑन लेंथ मेजरमेंट ठीक है स्केल निकालो भाई क्योंकि हम लेंथ मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं टीचर ने बोला क्लास में स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज हाउ कैन दे टेक आउट अ किंग और क्वीन रूलर रूलर को किसके साथ उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया जो एस एस टी में रूलर्स होते हैं मैथमेटिक्स के रूलर को एस एस टी के सब्जेक्ट के साथ उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स ठीक है जिनके स्पेलिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है उनको हम क्या कहते हैं होमोनिम्स हाउ कैन टीचर्स एड्रेस दिस चैलेंज इन क्लासरूम इस चैलेंज को टीचर्स किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं सो टीचर्स शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टू द स्पेसिफिक मीनिंग बींग यूज इन मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट वेन एवर सच वर्ड्स अपियर इन टीचिंग ठीक है so, तो टीचर को अटेंटिव करना चाहिए बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं है कि बोल दिया और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लास थ्री टीचर रीड आउट्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स इफ़ आई सब्ट्रैक्ट टू वन फ्रॉम टू टें यानी कि इनका मतलब ट्वेंटी में से टू माइनस किया जाए वट विल बी द आंसर एक स्टूडेंट ने आंसर क्या किया कि आंसर जीरो हो गई यानी कि उसको टें और वन्स की प्लेस का डिफरेंस नहीं पता ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट जो टीचर ने ये सिचुएशन दी है इसके रिलेटेड क्या सही आंसर हमारा होगा द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज़ करेक्ट ये तो बिल्कुल ही गलत है ठीक है द टीचर शुड यूज कंक्रीट मटेरियल टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो कंक्रीट मटेरियल होता है बच्चे जिस चीज को देख सकते हैं छू सकते हैं वो देखकर बच्चे जो चीजें सीखते हैं ना वो परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं ठीक है तो बच्चे बेटर वे से सीख सकते हैं सो ऑप्शन टू यहां पर हमारी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए फिफ्टी फोर वाइल प्लानिंग अ लेसन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर यूजिंग द एक्टिविटी ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फोल्डिंग दब एक्टिविटी इज अ uh, क्या है अबव एक्टिविटी प्री कंटेंट एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी कंटेंट बताने से पहले अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम प्री कंटेंट एक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखिए फिर से आ चुका है यहां पर ठीक है कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी लेवल की टेक्स्ट बुक uh, के लिए कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू कॉन्टेक्स्ट्स इट शुड ओनली कंटेन न्यूमरस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ओनली वाला पॉइंट है ना जो बिल्कुल गलत है ठीक है देखते जाओ आप ओनली वर्ड जहां पर भी आ गया अगर हमें फॉल्स स्टेटमेंट है तो ओनली वाला सही हो सकता है लेकिन अगर ट्रू स्टेटमेंट है ना तो ओनली वाली ऑप्शन कभी भी सही नहीं होती है इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल ये

the ncf 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning this vision can be realized by adopting exploratory approach use of manipulative connecting कंसेप्ट टू रियल लाइफ देखो जहां पे भी रियल लाइफ का कंसेप्ट आ जाए ना थाउजेंड फाइव क्या कहता है कि छोटे बच्चों को एक तो आप कंसेप्चुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग देखोगे दूसरा उनको रियल लाइफ की सिचुएशंस के साथ डे टू डे एक्टिविटीज के साथ रिलेट करके मैथमेटिक्स पढ़ाओगे ठीक है तो ये पॉइंट जहां पर भी रियल लाइफ सिचुएशन कंसेप्ट की बात आ जाए वो पॉइंट आपका सही होगा फॉर प्राइमरी लेवल ठीक है ऑप्शन टू क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए एज अ मैथमेटिक्स एडुकेटर वॉट एडवाइस विल यू गिव टू प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रन्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों की मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए दैट इज़ हेल्प चिल्ड्रन मेक कनेक्शंस बिटवीन कंसेपचुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज कि जो बच्चों के माइंड में कंसेप्ट है और जिस तरह से उनको प्रोसीड करना है अपने आंसर्स की तरफ या फिर अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ठीक है वो कनेक्शन बिल्डअप कर पाए उन दोनों चीज़ों के बीच में सो ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टेटमेंट टीचर एक्ट्स एज अ फेसिलिटेटर हेल्प स्टूडेंट्स टू डिस्कवर रिलेशनशिप एंड सीक पैटर्न फॉर देमसेल्स इज मोस्ट सूटेड विद सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज इंडक्टिव मैथड जहाँ पर मैंने आपको बताया था इंडक्टिव मैथड क्या होता है पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताई जाती है फिर उससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे के फिर हम पहुँचते हैं रूल की तरफ और डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना देखो इंडक्टिव मेथड पर चाहे आप पेपर टू की बात कर लो या पेपर वन की बात कर लो ठीक है दोनों ही पेपर्स में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हंड्रेड परसेंट श्योर ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तो वो होता है इंडक्टिव मैथड और ये बेस्ट माना गया है छोटे बच्चों के लिए ठीक है so, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A primary class teacher आस his students to collect data on number of boys and girls studying in class फाइव इन दीर नेबरहुड इंक्लूडिंग एटलीस्ट फाइव हाउस होल्ड देखो फिर से वही डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन आ चुका है थोड़ा सा अपनी फॉर्म इसने चेंज कर ली है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन टू टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ डेटा हैंडलिंग ठीक है डेटा हैंडलिंग का कंसेप्ट पढ़ाना है इतने स्टूडेंट्स हैं इतने बॉयज़ हैं इतनी गर्ल्स हैं यहाँ पर फाइव क्या है हाउस होल्ड्स भी इंक्लूडेड है ठीक है तो इस तरह से ये जो हम पाई चार्ट बनाते हैं या फिर इस तरह से बार ग्राफ्स बनाते हैं सारी चीजें ये डेटा हैंडलिंग का बाय पोलिया तो पोलिया ने जो हमें स्टेप्स दिए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के इनमें से कौन सा वो स्टेप नहीं है तो देखो सबसे पहले हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं स्टेप वन क्या है अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेप टू क्या है डिवाइस अ प्लान यानी कि ट्रांसलेट करना तो स्टेप थ्री क्या है कैरी आउट द प्लान यानी कि उसको सॉल्व करना देन स्टेप फोर क्या होता है लुक बैक चेक एंड इंटरप्रेट करना सो so, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो इसका स्टेप नहीं है दैट इज रिक्रिएट द प्लान ठीक है तो ये इसका पार्ट नहीं है स्टेप थ्री क्या होता है कैरी आउट प्लान ये होता है थ्री और फोर्थ स्टेप क्या होता है इसका लुक बैक ठीक है चाहे आप इसको नोट कर लो स्टेप वन और टू अपनी जगह पर हैं स्टेप थ्री क्या है कैरी आउट द प्लान और स्टेप फोर होता है लुक बैक ये दिए हैं पोलिया ने फोर स्टेप प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है जी तो यहाँ पर हमारी ये पेपर भी खत्म होता है एक और पेपर हम डिस्कस करेंगे सो so, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ मॉडल तो देखो पिछला जो क्वेश्चन हमने एंड किया है वहीं से हमारा ये भी स्टार्ट हो चुका है तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए दैट इज ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फिर डिवाइस अ प्लान फिर कैरी आउट द प्लान एंड देन फाइनली इज लुक बैक ठीक है जी अब देखो पोलियाज का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उससे भी दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुके हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स तो दैट इज कंक्रीट इन नेचर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है एबस्ट्रैक्ट इन नेचर है हेरॉकिकल इन नेचर है ठीक है लॉजिकल इन नेचर है लेकिन कंक्रीट इन नेचर नहीं होता देन आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व टेक टू डिजिट से थ्री एंड फाइव मेक फोर डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इज योर आंसर यूनिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स अब देखो थ्री और फाइव को हमने टू टाइम्स यूज करना है कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं थ्री थ्री फाइव फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ठीक है फाइव फाइव थ्री थ्री इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फाइव थ्री फाइव थ्री ठीक है फाइव थ्री थ्री फाइव थ्री फाइव फाइव थ्री इस तरह से काफ़ी सारे जो कॉम्बिनेशन हैं इसके बन सकते हैं ठीक है जी अब हमने देखना क्या है विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट तो इसका आंसर जो हमारा सही है दैट इज इट इज एन सॉरी ये क्या है इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सिस क्योंकि हमने देखा कितने सारे सॉल्यूशंस बनते हैं तो कोई बच्चा कोई नंबर लिख सकता है कोई कोई नंबर लिख सकता है कोई फिक्स आंसर नहीं है इस चीज का ठीक है सो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मिस सोनाली अ क्लास वन मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स सॉर्टिंग शेल्स स्टोन्स टोकन ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स देन बी इज अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देर लेंथ, दैन कलेक्टिंग स्टिक्स फेदर्स लीव फ्राम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई दैमिन ग्रुप्स देन इज थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गारलेंट फॉर काउंटिंग दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये किसके अंदर आएंगी देखो ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन ये एक्टिविटीज जो हैं दीज आर यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अरिथमेटिक्स क्योंकि काउंट करेंगे सारी चीज़ों को काउंट करेंगे अगर यहाँ पे देखो अरेंजमेंट डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ यहाँ पे भी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है कितनी स्टिक्स बच्चा लेता है देन कलेक्टिंग स्टिक्स फेदर्स लीज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और फिर उनको ग्रुप में टाई करना फिर थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म गारलेंड फॉर काउंटिंग तो देखो जो बेसिक है ना फंडा यहां पर वो क्या है कि बच्चों को नंबर्स और काउंटिंग से फेमिलराइज करवाना ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अकॉर्डिंग टू एनसीफ टू थाउजेंड फाइव विच ऑर द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंडिकेटिव ऑफ मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग तो इसमें देखिए अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग एंड डिस्कसिंग द आंसर्स विद पीयर्स एंड टीचर्स तो ये क्या है मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग बाकी ऑप्शंस देख लो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फार्मूला ओनली आ गया ना गलत हो गया सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर आ गया छोटी क्लासेस के लिए गलत हो गया देन डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड मीन्स ओनली यही मैथड तो यह भी गलत हो गया सीधा साधा आंसर बिना देखें आपका थर्ड सही है अगर आप लॉजिक भी ना देखो ना तो भी आंसर आपका थर्ड सही बनता है ठीक है जी देन अकॉर्डिंग टू एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पिंडली रान ब्रॉड एंड राउंडिंग अब देखो टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि हम एक कंसेप्ट को दूसरी क्लास में फिर से पढ़ते हैं बड़ा उसको और एनहांस करके स्पायरल की तरह होता है ये अ करिकुलम एक्सेलरेशन हैज़ लेड टू प्रियोनिंग ऑफ सेम सम बेसिक टू इंक्लूड न्यू टॉपिक्स विच आर ऑफ सिग्निफिकेंस इन हायर मैथमेटिक्स एजुकेशन सो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है ठीक है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स ये वर्ड आपका जो है यूज होता है सो ऑप्शन फोर यहां पे करेक्ट आंसर नेक्स्ट कन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज इन मैथमेटिक्स टीचिंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स सो देखिए इट इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द सब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट या फिर दे कैन बी यूज एज डायग्नोस्टिक टूल टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन लर्निंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग या फिर दे हेल्प द टीचर टू गेन न्यू इनसाइट्स इन टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स सो देखो ये क्या है इन्होंने बोला है एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल सब ऑफ अ कॉन्सेप्ट तो इस पॉइंट को छोड़ के हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स ए सी एंड डी ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन फोर हमारी यहां पर क्या बनती है करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री हमें एक मैचिंग दी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग पेयर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके साथ मैच होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है जो हम बिल्कुल जैसे यूनिट टेस्ट ले लिया बच्चे का दस बीस नंबर के पेपर ले लिए और साल में कितने बार ये होती है ये चार बार होती है कितनी वेटेज होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की फोर्टी परसेंट वेटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट की होती है और सिक्सटी परसेंट वेटेज जो है समेटिव असेसमेंट की होती है तो ऑप्शन ए किसके साथ मैच होगा finds out what learning changes and progress has taken in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality तो so, formative assessment हमारा match हो गया इससे देखो group assessment तो helps to assess social skills and cooperative learning processes ये आ गया हम अपने answer की तरफ बढ़ते हैं पहले A और four फिर D और three देखो कहाँ पर है ये है ए फोर हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही देख लेते ऑप्शन वन हमारी यहां पर क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है कि बच्चे की लर्निंग आउटकम्स देखो ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके देन नेक्स्ट देखो फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट असेसमेंट मैथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन प्राइमरी क्लास के बच्चों को अगर असेस करना है कौन सा अप्रोप्रियट मेथड नहीं है नहीं वाली ऑप्शन ढूंढनी है अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फार्मूले तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फैक्ट्स और फॉर्मूले के बेस पर अगर हम टेस्ट लेते हैं ये एक अप्रोप्रिएट असेसमेंट नहीं है आई को यूज करना चाहिए हम एक कंसेप्ट मैप को यूज कर सकते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहिए ताकि बच्चों के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हों जहाँ पर वो अपने खुद के टैलेंट को भी शो कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी क्लास टीचर्स इज़ यूजिंग अ वराइटी ऑफ कंक्रीट to टू टीच प्लेस वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स दीज इंक्लूड्स अगर देखो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट कंक्रीट मटीरियल यूज कर रहे हैं बच्चों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट करवाने के लिए तो कौन से चीज उसके लिए यूज होती है दैट इज द डींस ब्लॉक ठीक है और क्या यूज होगा बंडल्स ऑफ मैचस्टिक्स यूज होंगे या नहीं होंगे ठीक है जी सो ऑप्शन ए और बी एबकस हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए ये यूज uh, नहीं होगा तो डीन्स ब्लॉक यूज होंगे एंड बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स तो ऑप्शन इसके टू करेक्ट है दैट इज एंड बी आर प्रोपोर्शनल मटीरियल डीन्स ब्लॉक एंड बंडल्स ऑफ स्टिक अगर हम बच्चों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं तो नेक्स्ट असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हिरार्किकल इन नेचर अब देखो हिरार्किकल यानी कि यहाँ पे पेरेंट नोड है फिर दो नोड्स आ गई फिर इनके नीचे फिर कितनी नोड्स आती हैं तो अगर हमें ये चीज़ समझनी है तो हमें थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ठीक है प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी रिलेट करके हम आगे पढ़ सकते हैं जैसे आपने देखा होगा मैथ में ना एक फेवरेट चैप्टर है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ये क्लास वन से लेकर क्लास अगर आप आगे आगे सिक्स तक तो भी जाते जाओगे ना तो आपको नंबर सिस्टम चैप्टर मिलेगा लेकिन कंटेंट क्या है जो फर्स्ट में था उससे थोड़ा सा ज्यादा सेकेंड क्लास में होगा थोड़ा सा ज्यादा थर्ड क्लास में होगा एंड सो ऑन ये क्या है हैरार्किकल नेचर होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द सम ऑफ सिक्स एंड सेवन इज थर्टीन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्स और सेवन को अगर हम ऐड कर दें इसका आंसर क्या होता है थर्टीन होता है ये किसकी एग्जाम्पल है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक चीज को के ज़्यादा सॉल्यूशंस ढूंढना जैसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना वो बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनकरेज करते हैं ठीक है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको डिफाइन कैसे करते हैं एज द जनरेशन ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड सोल्यूशंस दैट इज फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट मल्टीपल अप्रोचेज टू अ प्रॉब्लम आर जनरेटेड तो यहां पर क्या होगा हमारा एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन ये इसका क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 टू सॉल्व 76 सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी टू अ स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग मेथड ठीक है ये मेथड बच्चे ने यूज किया ये देखो कौन सी अब इसका क्वेश्चन यहां पर पड़ा है फॉर द अबव मैथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है दैट इज द मेथड यूज बाय स्टूडेंट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे कम्यूटेटिव है कहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगनी है ये बच्चे को अच्छे से बताए इसलिए उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है एसोसिएटिव भी लग रही है ठीक है तो नेक्स्ट देखो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस एक्टिविटीज़ कुड भी अगर जियो बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक है तो उसका सबसे बेटर जो रीज़न है वो क्या होगा दैट इज़ टू प्रोवाइड कंक्रीट रिप्रजेंटेशन फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशन इन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्योंकि जियो बोर्ड क्या होता है जियो बोर्ड इज़ अ मैथ्स मैनिपुलेटिव दैट स्टूडेंट्स कैन यूज़ टू एक्सप्लोर बेसिक शेप्स एंड ज्योमेट्री ठीक है जैसे कि पैरीमीटर ढूंढना है एरिया है कोऑर्डिनेटिंग, ग्राफिंग है तो ये जियो बोर्ड की हेल्प से बेटर वे से किया जा सकता है सो so, फ्रेंड्स हमारी आज की ये क्लास यहीं पर हम पॉज करते हैं दो या तीन सेशंस में जो है इसके सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी तो इसकी पैडागॉजी समझ लीजिए अगर आपने ये तीन सेशंस तीन चार जो भी सेशंस हमारे पैडागॉजी के लगेंगे मैथमेटिक्स के ये आपने देख ली तो समझ लो पूरी की पूरी आपकी पैडागॉजी कंप्लीट हो गई है क्योंकि सारा सिलेबस कवर करके मल्टीपल क्वेश्चंस ये सारे प्रीवियस पेपर्स में थे उठाए गए हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप वॉचिंग